मलिहाबाद के मोहम्मद नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर जमीन की पैमाइश के दौरान मां बेटे और एक अन्य व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से महिला के पति भी घायल हो गए। हत्या का आरोप मृतक महिला के सगे चाचा पर लगा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि मोहम्मद नगर निवासी 35 साल के फरहीन का सगे चाचा ललन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त मामले में शुक्रवार को दोनों पक्ष जमीन की पैमाइश के लिए जुटे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोपी की ललन पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान 55 साल के मुनीर, 16 साल के बेटे हंजाल और फरहीन को गोली लगी। इसके अलावा उनके पति को भी गोली लगी, जो कि घायल हो गए हैं। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से वहां दहशत फैल गई। गोली लगने से मुनीर, फरहीन और हंजाल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। दिन दहाड़े तीन लोगों की हत्या की खबर पाकर मौके पर DCP पश्चिम राहुल राज सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल फरीद को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वही मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जांच से ये पता चला है कि दोनों पक्षों में भूमि विवाद था। भूमि की पैमाइश के लिए लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई है, जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसकी माँ की और उसके चाचा की मौत हुई। इस मामले में एक बात ये भी पता चली है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वह इनके चचिया ससुर हैं। पैमाइश जो हुई है उसकी थाने में सूचना नहीं थी, इसलिए पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जबकि DM का कहना है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के संयुक्त खाते की जमीन है, बंटवारे का मुकदमा हुआ जिस पर वर्ष 2012 में निर्णय आया। इसके बाद निगरानी वर्ष 2018 में की गई। इसमें अपील भी कमिश्नरी में चल रही है। एक पक्ष की ओर से पैमाइश के लिए आवेदन किया गया था। शुक्रवार की तिथि पैमाइश के लिए निर्धारित हुई थी। हालांकि स्थगन आदेश की जानकारी मिलने पर लेखपाल ने पैमाइश से मना कर दिया था। दोनों पक्ष लौटे और घर पर किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को लगता था कि पीड़ित परिवार उनके विपक्षों की मदद करता है। आरोपी का शस्त्र लाइसेंस कैसे बना, इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक विवाद सिर्फ 6 फुट की जमीन का था। ऐसे में शुक्रवार को हिस्ट्री शीटर ललन उर्फ गब्बर विपक्षी फरीद के घर पहुंचा, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।